बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हो? ठीक हो? जहाँ रहो खुश रहो, बात रहो। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, वो अभी बना रही चाय। तो हम मांग रहे हैं कि चाय तो रोज इस टाइम बन जाती है। पूछा था पानी मांगा तो उसको बन गया है, तुम्हारी आँख लग गई है। और हम बना रही हूँ चाय। ये ऐसे करता है कि ये वो कहता है आ जाए मेरी चीज आ जाए, तब तक वो भी टाइम लगता है। हम तंग नहीं करो ना, मैं बना रही हूँ चाय आपकी। आरिफ यहाँ पर नमाज पढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा जी, दो दिन से आप लोगों को जो है ना बिल्कुल ही मैं नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा काम वगैरह मिला हुआ है तो उसमें जो है ना मैं मसरूफ हूँ। और बच्चे मेरे जो है ना व्लॉग वगैरह बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा दिन है, तबीयत जो है ना कुछ बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख करम है। और आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? और आप सब लोग जो है ना मिस भी कर रहे होंगे कि एकदम अचानक जो है ना फयाज जो है ना कहाँ गायब हो गया है, काम की वजह से थोड़ा सा मसरूफ हूँ। आपको पता है काम करेंगे तो थोड़े हालात भी बेहतर हो जाएंगे। आपको पता है जैसे कि महंगाई बहुत ही ज्यादा हो गई है। कल यकीन करिए मैं प्याज लेके आया हूँ, टमाटर वगैरह गोभी वगैरह, प्याज 250 रुपए किलो। और फिर दो तीन जगह पे मैंने पता किया है, फिर 200 रुपए किलो मैंने 1 किलो प्याज ली है और 150 रुपए टमाटर कह रहे थे, तो टमाटर मैंने फिर 100 रुपए किलो लिए छोटे छोटे वाले, मैंने देखे नहीं है, अंधेरा था, अंधेरे में मैंने उठाए हैं तो सही नजर भी नहीं आ रहा, अल्लाह करे वो ठीक हो। और फूल गोभी ली है वो भी मैंने 100 रुपए की, 400 रुपए की यकीन कीजिए। ये आलू सॉरी गोभी प्याज और टमाटर आए हैं 400 रुपए के। अभी यकीन कीजिए दूध मंगाया है तो 50 रुपए का जो है ना अभी दूध आ गया है। तो आदमी जो है ना यकीन कीजिए इतनी महंगाई कर दी हमारे हुक्मरानों को जो है ना जरा सा रहम नहीं है कि गरीब जो है ना किस तरह गुजारा करता है। अभी सुबह जाएंगे यकीन कीजिए परवीन जो है ना, मैं तो साइकिल से जाता हूँ, परवीन अभी बस से जाएगी, आएगी जाएगी और उसका जो है ना वापसी आने का कम से कम तकरीबन 60 से 70 रुपए एक तरफ का जो है ना किराया लग जाता है। और जो भी रूटीन होती है आप सब बहन भाइयों के साथ जो है ना शेयर करते हैं। ये यहाँ पे आसिफ सो रहे और वो वहाँ पे आकिफ सो रहे, वो आकिफ है। ये अम्मी यहाँ पे तपिला हो रही है। इसलिए तो मैंने रात में भी नहीं धोया था, तार नहीं थी ना। यहाँ पे चाय चढ़ाई हुई है और यहाँ पे फरीदान आराम के लिए बना रहे हैं अंडा, उसको दूध और एक अंडा। आराम वो देखे वहां बैठा हुआ, बन रही है चाय, बन जाए फिर देती हूँ, ठीक है? बनने वाली है, सही है। सुबह सुबह उठते कहते हैं बस मैं हुक्म करूँ और चाय आ जाए। ये क्या मी सुबह सुबह कपड़े तो पीला इधर रख दिया, बाद में जो है ना उसको ऊपर वहाँ पे सामने जो है ना छत्ती से ये सारा सामान हटाने के बाद ऊपर छत्ती पे रख देंगे हम। सर भी खत्म होने वाला होगा ना मैं पानी लगता है खोल गया तो वो निकल रही है। हम दूध डाल देते हैं और फिर अंडा भी बना देते हैं, तवा चढ़ा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध इतना पतला आ गया कि चाय बिल्कुल ही कम बनती है।
और सबको आधा आधा कप ही मिलती है, बस इंसान क्या करे। अभी आरिफ को बोला है कि कोशिश करो डब्बे वाला दूध ले कर, क्योंकि ये दूध जो है ना किसी खाते में नहीं रहा। चूल्हा ऑन कर लिया, अभी हम चलवा देते। अम्मी ने कहा कि तुम बाहर आ जाओ, बाहर से अंडा बना लो, मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम को पता ही नहीं चलता। अंडा डाल दिया, अंडा तोड़ दूँ? नहीं, इसको पलटो ना, नीचे से जल रहा है। इसकी साल्ट चेंज कर दिया, हल्का सा नमक इसके ऊपर डाल। यहाँ पे रम की चाय निकाली जा रही है ठंडी होने के लिए। अंडा यहाँ पे बन गया, ये लो बन गया तुम्हारा अंडा। अपरो पराठा बन जाए फिर देती हूँ। यहाँ पे अब्बू को देते हैं हम पानी, पानी मांग रहे हैं। और पानी भी आज घर पे मीठा वाला जो है ना ख़त्म हो गया, खरीदना पड़ेगा, सालन बनाने के लिए भी नहीं है। चाय के लिए भी अभी छोटी बोतल वाला पानी इस्तेमाल किया। बेटा कमर में बहुत जल्दी दर्द हो रहा है, चारपाई की वजह से हो रहा है दर्द। ये वाली चारपाई टूट गई, सारी चारपाई टूट गई है ना बेटा। कमरा चार चार के चारपाई के ऊपर पांव रख के जाते हैं ना, टूट जाती है। और इनको भी अभी उठाया है, बोला है ये पेपर याद करो, पेपर है इनके। आज आरिफ किसका पेपर है? अब इन लोगों के पेपर पीर को होंगे, आकिफ का मंगल वाले दिन है, इसकी ज्यादा छुट्टी है। और हम चाय मांग रहे थे यहाँ से, और हम उठाते हैं फिल्टर, निपल पड़ी हुई है, फिल्टर तो नहीं है। चाय भी फिल्टर के अंदर निकाल, दे रही हूँ और हम दे रही हूँ, ये लो चाय, ठीक है। अब तुम्हारा पराठा बन रहा है, अम्मी इसका पराठा बना, इसको पहले मैं पराठा बना के दे दूँ, क्योंकि इसको भूख लग रही है। ये पहले पहले उठता है तो चाय दो, अंडा दो, पराठा दो, समझता नहीं है, बोलते हैं बना रही बच्चों को क्या पता। किचन भी छोटा है ना हमारा में जी, मोटा इंसान के लिए बैठना और मुश्किल हो जाता है हमारे किचन में। अम्मी की जब अम्मी आती थी ना हमारी नानी, तो वो नहीं बैठ पाती हैं, बैठ पाती थी जो मैं, आपकी अम्मी नहीं बैठ पाती थी हमारे किचन में, वो इधर यहाँ पे बैठती थी, इस जगह पे बैठती थी। पतला इंसान पे भी बैठ जाता है। रात को मम्मी फूल गोभी लेके आए थे, आलू खत्म हो गए, आलू के साथ फूल गोभी बनाएंगे ना, जैसे केली फूल गोभी बना लो। चलो चलो ठीक है, पूरी नहीं होगी तो फिर दोबारा कल, फिर इतवार है, सुबह नाश्ते के लिए जाएंगे। हाँ नाश्ते के लिए भी कल फिर इतवार है, सब घर पे होंगे, ऐसे चाय के साथ सब लोग खा के चले जाते हैं, कोई स्कूल तो कोई काम पे। जी अब क्या चाहिए? जी चाय पी ली, चाय। अब मेरे ख्याल में इसको पराठा चाहिए, पराठा चाहिए, बन रहा है पराठा, बस वो देखो अम्मी बना रही हैं पराठा। अम्मी जल्दी करें, मैंने कहा चलें आज जो है ना अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ सुबह की रूटीन जो है ना शेयर करते हैं।
फिर अम्मी भी थक के आती है, मैं भी काम से थक के आती हूँ, अब्बू भी मसरूफ रहने लगे हैं, फिर हमें कोई टॉपिक भी नहीं मिलता। अरम के लिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ, वो कह रहे जल्दी करो जल्दी करो, मैंने कहा है बस लगाएं तेल और दें इसको, क्योंकि अब अरम बिल्कुल भी सब्र नहीं कर रहा। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का पराठा लग रहा है। कई जमाने में हमारी अम्मी पराठा बनाती थी, वो लच्छे वाला, अम्मी वरके वाला, वो भी बनाती हूँ आप के लिए, वो ही बनाती हूँ। अच्छा आप इसके सफेद निकाला ना, अच्छा इसलिए इसकी सादी रोटी भी लगा दिया, इससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। आ आ कर रहा है इसको दे देते दे। ये आप इसके लिए बनाती हूँ, दिखाएं मैं इसको दे के अपड़ो। ये लो, हाँ अम्मी कहता है गरम है, मैं खिलाऊं। अरम को मैंने काफी हद तक नाश्ता करवा दिया, अब मैंने कहा ठंडा हो गया खुद खाओ। और आखिर वहां पे तद्दी बिचारे अपना नाश्ता करने का, क्या कर रहे हो इंतजाम है? ये ऊपर चरपाई टूटी हुई है तो सारी चाय गिरा रहा था, तो मैंने कहा नीचे चले जाओ। और इसका ये लच्छा पराठा ये देखिए ये बन गया, यहाँ पे ले जाओ और यहाँ पे नाश्ता करेगा, फिर उसके बाद इसने पेपर याद करना है। आराम हो गया तुम्हारा, इसको अंडा खिलाते रहो ना रोटी के साथ, ये खाता रहेगा, जैसे छोड़ दो ना ये जो बकिया अंडा होता ना ऐसे उठा के खा जाते हैं, बस ये इतना सा पराठा खाया इसने, अंडा ऐसे खा लिया, पराठे के साथ खाते ना पेट फुल तो होता। आरिफ यहाँ पे नाश्ता कर रहे, थोड़ा बहुत से दाल का सालन रखा हुआ था, हमने कल बनाए थे चावल, ये परसों वाली थोड़ी बहुत सी दाल रखी हुई थी। आराम तुम्हें प्यास लग रही है हैं? आराम कहते हैं पानी। अंदर से उठ के आया बाहर सो गया, पता नहीं इसकी नींद कब पूरी होगी। उठो आसिफ नाश्ता करो, माशाल्लाह सुबह सुबह जो है ना चाय वगैरह बन चुकी है, अब चाय वगैरह पी रहा हूँ, चाय वगैरह पी के फिर इंशाल्लाह जो है ना काम पे जाऊंगा। और कुछ लोग के कमेंट्स होते हैं कि आप काम नहीं करते, और मैंने किरण लाइव पे जहाँ काम करता हूँ उस पर मैंने एक दिन लाइव भी की है, और प्रवीण लाइव पे कुछ काम के मैंने शॉर्ट भी शेयर किए थे, क्योंकि वहाँ ज्यादा आपको पता ही ज्यादा नहीं है काम की वीडियो बनाने की। आकिफ ये क्या बनाया हुआ है? अच्छा इसने ये चाय में पराठा डाला हुआ, चूरी बनाई हुई है, ऐसे वो आलू के शोरबे में नहीं डालते है ना, वैसे इसने चाय के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अरम भी बनवा रहा है, ये देखो जी एक ने बनाई है तो दूसरा भी बनवा रहा है। आराम तुम भी खाओगे हैं? इसको खाने की जल्दी चाय कम डाल दे यार, चाय थोड़ी यार कप में निकाल लो, किसी और में कप में चाय थोड़ी कम कर दो क्योंकि गिरा देगा फिर ये। और ये यहाँ पे बैठ के अपनी चाय पी, थोड़े बहुत से चावल बचे हुए थे तो अम्मी जो है ना नाश्ते में गर्म कर रही हैं। और ये यहाँ पे मेरी चाय वगैरह भी पीते हैं हम लोग, फिर उसके बाद काम वगैरह शुरू करेंगे। आसिफ के एलोवेरा के कितने बच्चे हो गए हैं? रात को अब्बू लेके आए थे ये फूल गोभी, अभी मैं इसको लेके आई हूँ, हम बनाते हैं सालन और टमाटर और हरी मिर्ची। आलू मैंने अभी मंगवाए हैं, सुबह अम्मी ने कहा था आलू मंगवा लेना, 30 रुपए के मैंने ये आलू मंगवाए हैं, आलू भी छील लेते हैं पहले, इनको धो लेते हैं, फिर उसके बाद गोभी वगैरह काट के हम जो है ना सालन बनाते हैं। अभी हमने इसके अंदर घी वगैरह डाल दिया है, घी जो है ना जब तक पिघलता है, और यहाँ पे गोभी भी मैंने बड़ी बड़ी काट ली है, इसको भी हम चल के धोते हैं। और यहाँ पे ये बकिया मसाला रखे, ये जो ऊपर वाले हो गए इसको भी मैं काट लूँगी क्योंकि ये अच्छे लगते हैं गोभी में। पहले प्याज ब्राउन करेंगे, अभी हमने इसको अच्छे से धो लिया है बिल्कुल ही, और यहाँ पे मैंने मसाला वगैरह भी डाल दिया है,
लिए अच्छे से हो रहा है भुनाई, जैसे ही भुनाई होता है उसके बाद मैं इसके अंदर गोभी ऐड करूँगी। अभी मैं गोभी ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी का सालन बन जाए फिर शेयर करेंगे। माशाल्लाह से हमारा सालन जो है ना बन गया। अभी मैंने चूल्हा वगैरह बंद कर दिया है। अभी हम इसको ढकना देके छोड़ देते हैं। आज धूप भी काफ़ी तेज़ है और अभी भी मैंने कपड़े धोए हैं। शाम तक इंशाल्लाह कपड़े जो है ना सूख जाएंगे। ये सारे रस्से एक फुल किए हुए हैं। धूप इतनी तेज़ है, सूरज जो है ना बिल्कुल ही वो देखें सर पे, और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए प्यारा बना हुआ, प्यारे प्यारे बादल। क्या नेवा? सालन रोटी चाहिए? अच्छा जी, ये कैसे पड़े हो हैं? ऊपर उठो, ऊपर उठो। आओ मैं तुम्हें सालन रोटी दूँ, ठीक है? आ जाओ आ जाओ, चप्पल रख दो, हाथ धो इधर पहले, हाथ धो इधर, हाथ धो, हाँ इधर पहले हाथ धो, फिर मैं तुम्हें निकाल के देती हूँ, ठीक है? यहाँ पे जी रोटी वगैरह हम बना रहे हैं और यहाँ पे मैंने चढ़ाई हुई है चाय। आटा मैंने अभी अभी यहाँ पे जो है ना गूंद के रखा है, क्योंकि आटा जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। घर पे जो है ना पानी ख़त्म हो गया, तो आरिफ कैन धो के जा रहा है। कितने का पानी लेने जा रहे हैं आरिफ? 30 का। वो अभी आप लोग से चाहेंगे इजाज़त, चाहे तो हमारी पक्की रहेगी, कल मिलेगी न्यू ब्लॉग में।